तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा पजामा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद थोड़ा ये इस तरीके का हमारा लग रहा है। इसमें हमने ब्लैक कलर की लेस लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हो नेट वाली हमने लेस लगाई है इसके पैंचों में, जो कि इससे थोड़ा अच्छा सा लुक आ गया है। ऊपर हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया है, बाकी आप अपने बॉडी के हिसाब से इलास्टिक इसमें डाल सकते हो। और ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है और आप इसको भी घर में यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम कुर्ती देखते हैं कि कुर्ती कैसी बनी है हमारी। तो ये हमारी कुर्ती भी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने कुर्ती में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने इसमें बॉर्डर नेक बनाया है और बॉर्डर नेक गला बनाने के बाद हमने इसमें राउंड बेल लगाई है और फ्रंट में आधे मतलब पट्टी तक लगाई है, जैसे कि हम कुर्ते की पट्टी बनाते हैं काज बटन की, इतने में हमने इसकी चौड़ी पट्टी लगाई है लेस की। और इसमें आस्तीन में जो हमारा जोड़ आया था, इसको हमने जोड़ को छुपाते हुए इसमें बीच में इस तरीके से लेस लगा दिए ताकि इसमें डिज़ाइन हो जाए। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैम चतुर्थी डिज़ाइन ऑनलाइन में आपका बैग फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के हम वीडियो में सीखेंगे फ्लेपर और कुर्ती। और ये कपड़ा लिया है हमने 2 मीटर और इसका अर्ज है 1.5 मीटर, यानी हम पूरे कपड़े में पूरा सूट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बड़ी हो जाए तो उसको एंड तक जरूर देखना है। और ये हमने कहा, ये जो कपड़ा है हमने 2 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि इसका अर्ज है 1.5 मीटर, लेकिन ये कपड़ा कम भी है और हम इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे वहाँ पर देख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये कपड़ा जो है हमारा लिनन का कपड़ा है, जो कि मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसमें मैं आपको फ्लेपर और कुर्ती कट करना सिखाऊंगा। तो अब हम करेंगे वीडियो स्टार्ट। तो हम पहले तो इस कपड़े को अच्छे तरीके से खोल के एक साइड से इसका फ्लेपर कट करेंगे। तो उसको सिर्फ एक साइड से ही हम फोल्ड करेंगे, पेपर के लिए हम कपड़ा निकाल लेंगे एक साइड से। चौड़ाई नापने थे इसके बना, तो हम ऐसे में चौड़ाई ने ले ली 13, हम इतना ही इसको कट कर लेते हैं फ्लेपर के लिए। तो पहले हम एक ऊपर सीधी लाइन कर देते हैं, ये हमने ऊपर सीधी लाइन करके 2 इंच हमने प्लास्टिक के लिए छोड़ दिया है और हमने इसकी लंबाई रखी है 34 और उसके नीचे हमने 2.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम ऐसे में लेंगे, इस तरीके से चौड़ाई में हम लेंगे 9 और इसके आसन की ऐसे लंबाई लेंगे, हम इसको मियानी वाला बनाएंगे तो ऐसे में हम इसको रखेंगे 13.5। लाइन को हम सीधा कर देते हैं, इसकी मोरी का निशान लगाते हैं 11 से 12 हम इसकी मोरी का निशान लगाते हैं। 3 इंच टेप को इस तरीके से रखते हैं सीधा, स्केल ले लेते हैं, यहाँ से हल्की हल्की सीधी लाइन कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम इसको घुमा देंगे। इसमें आप मार्जिन चाहें जितना भी छोड़ सकते हैं, इसमें हम छोड़ेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, उसको हम कट कर देते हैं। फिर हमें जहाँ जहाँ फोल्ड करना है वहाँ हम कट के लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। जो आज की मियानी हमने लास्ट में है, यहाँ पे भी हम मियानी लगाएंगे, यहाँ पे भी हम कटक मार देंगे, नीचे फोल्ड करने वाला है यहाँ पे भी हम कुटका लगा देंगे, इसकी मियानी कट कर लेते हैं। ये हमने इसकी मियानी कट कर ली है। अब इसको यहाँ से मिला के जहाँ तक इसका ऊपर का सिरा आ रहा है यहाँ पे कुटका लगा देते हैं ताकि हमें लगाने में दिक्कत नहीं पड़े। तो अब हम इसकी कुर्ती कट करते हैं। तो इन्हें हमने इसका फ्रंट और बैक बिछा लिया है, अब हम ऊपर लाइन सीधी कर लेते हैं। लाइन हम हर सीधी इसलिए करते हैं ताकि हमारे ये जो हम निशान लगाए थे छोटा बड़ा नहीं हो। हमने एक सीधी लाइन कर ली है और थोड़ा एक नीचे और फ्रंट की नहीं 1/2 इंच और एक नीचे लाइन कर लीजिए ताकि हमारा गला पीछे को नहीं भागे। फिर इंच टेप को जो नीचे वाले हिस्से पर रख के निशान लगाएंगे 7 पे। पहले लगाएंगे हम 7.5 पे क्योंकि 1/2 इंच पे हमारी कंधी को डाउन होना है। तो 7.5 पे, फिर 14 पे, फिर 21 पे, और लाइनों को हम सीधा कर लेते हैं। इसके 13 लगाएंगे 6.5 और फिर उसी के नीचे तीरे के नीचे एक लाइन करेंगे 6.5। इस लाइन को हम मिला देंगे और फिर चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 पे और कमर का निशान लगाएंगे
8 पे और हिप का निशान लगाएंगे 9 पे। इन लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे और इसकी लंबाई फिर हमने रखी है 40। हमें कंप्लीट 40 चाहिए इसकी लंबाई, तो हमने निशान लगा दिया है। उसके फिर फ्रंट पे 1 से 1/2 इंच आगे एक लाइन करेंगे और यहाँ से इंच स्केल को इस तरीके से आड़ा घुमा के निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से इंच टेप को रख के 1/2 इंच आगे लाइन करके इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे। ये हमने मोड़े का इसका शेप दे दिया है। अब बैक वाले में हम रखेंगे इससे 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बैग वाले में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा जाता है। और गले का फैलाव लगा के हम इसका बोर्ड नेक गला कट कर रहे हैं, तो बोर्ड नेक का जो फैलाव रखेंगे हम रखेंगे 3। बोर्ड नेक का कोई सा भी, ये हम मीडियम गला है बोर्ड नेक का, या आप इसको किसी भी सूट पे इतना रख सकते हो। उसकी गहराई होती है 2.5। उसको इस तरीके से हल्का घुमाते हम कट कर सकते हैं फ्रंट और बैक, क्योंकि बोर्ड नेक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से तो हम इसको इतना इतना कट करेंगे। और यहाँ से हम आप अपने हिसाब से कम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ सकते हो, क्योंकि जब आप नीचे मोड़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और फिर हम इन जगह जगह पे इस पर कुक्के लगा देते हैं, ताकि जब भी आप टाइट वगैरह लूज वगैरह करें तो आपको ध्यान रहे। और जहाँ पे हमें फोल्ड करना है वहाँ पर भी हमने कुटके लगा दिए। इसका फ्रंट भी कट कर लेते हैं। इसको इस तरीके से हम कट कर लेते हैं बॉर्ड नेक गला अपना। ये हमने बॉर्ड नेक गला भी कट कर लिया है। और जब भी बैग में निशान कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इंच स्केल को इस तरीके से रख के निशानों पे यूँ पलट दीजिए, फिर इसको निशान को इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये हमारे निशान आराम से लग जाएंगे। तो हमारा फ्रंट और बैग भी तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बाजू कट करते हैं। तो हमारा बाजू का कपड़ा इस तरीके से है, तो हम इसमें बीच में जोड़ लाएंगे। अगर आप चाहो तो कुछ भी इसमें डिज़ाइन डाल सकते हो। तो ये बीच में जैसे कि हमारा जोड़ है, तो इसको हम इतना इतना छोड़ देंगे, इतना इतना पहले निशान लगा देते हैं इसको 1/2 इंच। इसमें आप कुछ भी अपना चाहो तो डिज़ाइन डाल सकते हो, गोली बटन लगा सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। चाहो तो इस बाजू को खुला भी रहने दे सकते हो, यहाँ पर आप सिलाई लगा के खुला भी छोड़ सकते हो। फिर हमने लाइन सीधी कर ली है। यहाँ से सीधी करने के बाद इसकी हमने लंबाई रखेंगे 8 और ऐसे में 3 इंच आके लाइन निशान लगा देंगे। उस लाइन को ऊपर तक सीधा कर देंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से डैश डैश करते हुए, मतलब पूरा सारनी लेके आएंगे, हम निशान लगा देंगे। फिर हम इसकी बाजू को कट कर देंगे। इसमें हमें बीच में कुटका लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुटका लगा हुआ है। तो इसकी लंबाई हमारी है 13। इसकी हमें बाजू रखनी है 4, तो इसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। और ऐसे में इसके मोड़े का 8 पे निशान लगा दीजिए। बाकी आप जितना आपके हिसाब से आए उसके हिसाब से आप कर दीजिए। ये भी हमारी बाजू कट हो चुकी है। ये हमारा कुर्ती और ये हमारा फ्लेपर कट हो चुका है। अब हम इसको एक बार रेडी करके देखते हैं, रेडी करने के बाद कैसा लगता है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आप ब्लैक कलर का भी प्रयोग कर सकते हो डिज़ाइन डालने के लिए।
आपको जैसा ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब हम इसको रेडी करके एक बार देखते हैं कि हमारा बनने के बाद सूट कैसा लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारा पजामा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद थोड़ा ये इस तरीके का हमारा लग रहा है। इसमें हमने ब्लैक कलर की लेस लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हो नेट वाली हमने लेस लगाई है इसके पैंचों में, जो कि इससे थोड़ा अच्छा सा लुक आ गया है। ऊपर हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया है, बाकी आप अपने बॉडी के हिसाब से इलास्टिक इसमें डाल सकते हो। तो ये हमारा पजामा तैयार होने के बाद इतना प्यारा लग रहा है। जैसा कि इसमें मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे, तो मैंने इसमें ब्लैक लेयर्स यूज़ किया है इसमें, क्योंकि इसमें वाइट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा दिखती नहीं, इसलिए इसमें हमने ब्लैक लगाई है। आप इसमें चाहो तो और नीचे भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने इसके नीचे इतना पाइपिंग जैसे छोड़ दी है, उसको थोड़ा ऊपर करके लेस लगाई है, जिससे इसका थोड़ा लुक और अच्छा आ गया है। और ये हमने 2.5 मीटर में एक कुर्ती और एक ये प्लाजो बनाया है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद हमारा ट्राउज़र, और ये गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है और आप इसको भी घर में यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम कुर्ती देखते हैं कि कुर्ती कैसी बनी है हमारी। तो ये हमारी कुर्ती भी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने कुर्ती में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने इसमें बॉर्डर नेक बनाया है, और बॉर्डर नेक गला बनाने के बाद हमने इसमें राउंड बेल लगाई है और फ्रंट में आधे मतलब पट्टी तक लगाई है, जैसे कि हम कुर्ते की पट्टी बनाते हैं काज बटन की, इतने में हमने इसकी चौड़ी पट्टी लगाई है लेस की। और इसमें आस्तीन में जो हमारा जोड़ आया था, इसको हमने जोड़ को छुपाते हुए इसमें बीच में इस तरीके से लेस लगा दी है, ताकि इसमें डिज़ाइन हो जाए। उसके हमने बॉर्डर में भी यही लेस लगाई है, जिससे इसमें बहुत अच्छा लुक आ गया है। और हमने इसको दामन में सिर्फ फ्रंट में लगाया है, बैक में नहीं लगाया है, क्योंकि बैक में लगा के कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए हमने इसको फ्रंट ही में लगाया है लेस को। तो आप देख सकते हो कुर्ती भी हमारी कितनी प्यारी लग रही है तैयार होने के बाद। और ये हमने 2.5 मीटर के कपड़े में हमने ये सूट पूरा तैयार करा है। तो आप इसको हमारे एंगल से देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। जैसा कि इसमें जोड़ था, हमने जोड़ इसको छुपा दिया है, ये हमने जोड़ अंदर को करके ऊपर से हमने इसमें लेस लगा दी है, जिससे ये एकदम परफेक्टली डिज़ाइनिंग एक लुक आ गया है। तो आपके पास भी कुछ इस तरीके से कपड़ा पड़ा हो तो उसको भी आप इस तरीके से एक अच्छे से कुर्ती बना सकते हो। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा था और इसका अर्ज था हमारा 1.5 मीटर, तो यानी हम 2 मीटर कपड़ा, अगर हमारा 1.5 मीटर का है तो हम 2 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। और ये हमारा लिनन का कपड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हो गर्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ये आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।